आज फाइनल दिन आ गया है, सब परिवार कैंपिंग ट्रिप पे निकलने का। तो मैं बस चाबी बाहर लेके जा रहा हूँ, फटाफट मैं जरा सेटिंग करता हूँ, ठीक है। मोटर होम को भी तैयार करना ना, एक तो रहने के हिसाब से जो सारी चीजें लेके आए उसमें सेट करनी है, दूसरा ये कि उसको कैंपिंग के हिसाब से तैयार करना है, क्योंकि सारे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, सिर्फ एक मोटर होम ही लेके जा रहे हैं। स्टारलिंक टांगे चंदरी माता जी अपना कैंची लेके पहुंच गई, इनका फेवरेट औजार। माता जी इससे काम करो, कैंची रिवर तो करो, ये काटो, ये सामान आया सारा मोटर होम के लिए, इसको खोलो। मैं जब तक गाड़ी में से जरूरी बाकी सारा सामान निकाल के लाऊं, क्योंकि गाड़ी की डिक्कियां भरी पड़ी हैं। बिनी की स्पेशल फरमाइश पे एक चीज मैं ले तो आया हूँ, जो कि पड़ी है गाड़ी में। लो सर, ये तो हो गया आप बारबेक्यू, तो इसको साफ करना पड़ेगा। ये है? निकाल के लाता यार, ये निकाल के लाता, कैसे निकाल के लाता, ये तो सिलेंडर तो चाहिए ना गैस के लिए। तो अब तू कहता रहा वो होज आ गया, अब मैंने स्पेशल होज मंगाया है, मैंने तो पूछा था अमेज़न से सामान आया यार, सामान आया था मेरे को थोड़ी ना सामान के अंदर गया, बट अब ये निकालना कैसे मुझे तो ये नहीं पता, कोई ऐसा ना गैस घुस लीक हो जाए, पहले इसको निकालो फिर। तो यार ये तो क्लोज है, गैस तो नहीं निकलेगी, इसको ध्यान से इसका स्टैंड। अब ये बेसिकली ना जी बारबेक्यू है, जिसके ऊपर आप टिक्के शिक्के बना सकते हो, मगर पुराने मोटर होम्स में जो सिलेंडर है ना वो हमेशा साथ लेके जाना पड़ता था, मगर आजकल के मोटर होम्स के अंदर एक बड़ी खास चीज़ जो आ गई है उसको बोलते हैं क्विक कनेक्ट होज, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इसके अंदर प्रोपेन टैंक होता है उसकी आप आउटपुट यहाँ से ले सकते हो और इसको कनेक्ट करके आप डायरेक्ट बारबेक्यू से जोड़ सकते हो, ताकि आपको एक्स्ट्रा प्रोपेन के सिलेंडर कैरी ना करने पड़े। मगर वो होज हम टेस्ट कर लेते हैं बाबूजी, पता लगे होज चल ही नहीं रहा, ठीक है, और इतना गंदा जंग लगीला पड़े, तो साफ करना पड़ेगा पहले। साफ करने की इतनी मारा मारे नहीं है, रीजन बीइंग कि हम इसको जला के इसके ऊपर फॉइल लगा देंगे, फॉइल फॉइल के ऊपर ही सारा कुछ सेक लेंगे, ठीक है। तो हमें कहते हैं उसको पूरे जंगल साफ नहीं करना, भाई चूल्हे चकने वाला सामान माता जी खुद करेंगी अपने हाथ से। देखो मैं तो अपने अंदाजे से मंगाया कि उसमें फिट हो जाए, मगर अब लगेगा कैसे कैसे वो देखना है। तो उसकी ये इनलेट देखो यहाँ पे लगाने वाला, हो गया। देखो जी वहां तो पाइप की एक्सटेंशन लग गई, मगर यहाँ पे इसको एक बार पूरा जो है कनेक्ट करके तो देख लेना, और क्योंकि थोड़ी धूप गर्मी हो रही है उधर, वो सामने नीचे है, तो इसलिए जरा स्पेशल फीचर की वर्तो करी जाए। ठंड बहुत है, ठंडी हवा चल रही है बहुत तगड़ी, मैंने हुडी पहनी है ना, आप किसने का टी शर्ट पहन के हीरो बनो, हम तो अंदर थे ना, रेस में कैसे लगेगा ये देखना है बस। गुजाई तो दबा दे टाइट, तो भाई इसको तो ऑटो रिट्रैक्ट हो जाना चाहिए था, ये तो गई नहीं वापस, भाई रिट्रैक्ट ये तो ऑटो में अंदर से नहीं जानी चाहिए थी इतने बड़े फटके के बाद, यानी हवा हवा में भैया ये शोशा ऐसे ये गया, घुस गया ओके इग्निटर माचिस नहीं लाइटर ले गए, बंदा कहता ना कि भाई लाइटर ढूंढना, तो उससे पूछो तो छोटा भी था, उसको पता होगा कहाँ पड़ा है, हमारे यहाँ मम्मी से पूछते हैं, मम्मी लाइटर कहा, क्योंकि मम्मी दिया बाती जलाती है ना मंदिर में, तो इसलिए मम्मी को पता है। आग इतनी रोशनी में नजर नहीं आ रही, मगर जल रहा है। मम्मी लो कैंची चलाओ, तो सारा आरवी का सामान है। हाँ जी, ओके बाय, हैव अ गुड वीकेंड, बाय बाय डॉल। सैंड्रा नहीं जा रही है हमारे साथ, क्योंकि इसकी थोड़ी सी अभी मैं आपको डिटेल में डिस्कशन बताऊंगा कि हमारा क्या चल रहा है और प्लान और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह, नीड्स अ स्पेशल वीडियो, क्योंकि थोड़ी पर्सनल नोट पे बात करनी पड़ेगी, बट अभी जो है फिलहाल क्योंकि हम निकल रहे हैं तैयारी, तो वो करते हैं। बिसाइड्स मोर इंपॉर्टेंटली उसको थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, वो कहती है कि भैया अगर हम कॉन्स्टेंटली यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट होते रहते हैं, मेरे को हेल्थ पे और काम पे और करियर पे फोकस करने का भी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, तो इसलिए शी विल हैव 48 आवर्स ऑफ मच नीडेड ब्रेक दैट शी वांट। माता जी अंदर की सेटिंग करेंगी,
हाँ जी, सारा सामान यहाँ पे रख दिया है जो कि अभी सेट करना है। ठीक है मम्मी, मैं पहले स्लाइड आउट खोल देता हूँ। भाई इसको बड़ा कमरा तो बनाए ना। भेजता हूँ। निकल गया, पूरी जाने दो। स्लाइड आउट जो है ना, इंजन ऑन करके और पार्क ब्रेक करके ही खुलता है, सेफ्टी फीचर है, तो इसीलिए इसको जरा जो है इंजन को अब बंद कर दें, अब रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो विनय बागो जो है ना, ये कभी भी किसी भी स्विच के ऊपर ये नहीं लगता कि ये स्विच किस चीज का है, तो या तो मैं यहाँ लेबल लगाऊंगा या फिर थोड़ा टाइम शायद हमें याद ही हो जाएंगे। ऐसे ही डाल दे, अंदर बंद जाएगा, मैं ऐसे ही डाल दे। ऐसे ही बटन खुल गए, दबाया खुल गया। $16.25 आए हैं वेलवेट वाले। ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है जो कि भी फिलहाल हमें ये बता रहा है कि बैटरी फुल है, क्योंकि यहीं पे खड़ा हुआ था मोटर होम फुल धूप के अंदर और 13.4 की वोल्टेज आ रही है, विच इज वेरी गुड फॉर लिथियम बैटरीज। लिथियम बैटरीज और नॉर्मल बैटरीज की वोल्टेज भी नापने के अलग अलग तरीके। और यहाँ ये बता रहा है कि फ्रेश वाटर टैंक आपका 2/3 भरा हुआ है, गैस 3/4 भरी हुई है, ग्रे वाटर टैंक एम्प्टी है, ब्लैक वाटर टैंक एम्प्टी है, विच इज गुड। बैटरी लेवल 12.4 शैसी की, क्योंकि ये AGM है, और 13.1 हाउस बैटरी क्योंकि ये लिथियम है। ताकि सामान इसके अंदर जो है ना उन झटकों के साथ रड़ता ना रहे, क्योंकि बेसिकली आप अपने घर को हर कुछ दिन बाद एक अर्थक्वेक से गुजारते हैं, तो चीजों को अपनी जगह पे स्टडी स्टेबल रखना बहुत जरूरी है। चौड़ाई तो ठीक है मम्मी इसकी, फिर इसका मतलब है ना बिल्कुल पूरी आई है, कमाल ही होगी, क्योंकि ये जो है ना औजार, इसके अंदर आपने बस यहाँ से इसको खोल के इसमें लिक्विड डालना है, थोड़ा सा इसको गीला करना है, अपना रगड़ दो, कभी साबुन वाबुन हाथ को टच ही नहीं करता। ये आ गई चादर, ये भी बड़ी खास चीज मंगवाई है, मैंने भी दिखाता हूँ। ये आ गई मैग्नेट, ऐसी रख लो, यहाँ पे कुछ और की जगह बना ले। और बेलन वगैरह, बेलन तो पता नहीं, बेलन तो क्या जाएगा जब बेलन तो आप बजाओगे तो बेलन जाएगा, हमने करना है बेलन का रोटियां हम तो बनी बनाई रेडीमेड टोटी ला ले आएंगे। 8 घंटे में तो मैं ऐसी रोटी खानी छोड़ रहा हूँ। ये क्या, ये कम पड़ गए? ये तो 3 ड्रॉअर में इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो हमारे पास अलग से जगह है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो सारे यही बचे, वो टुकड़ा इसमें आ गया। अब चेक करेंगे भी कितना सामान इसमें आ सकता है। बाहर नहीं रख सकते, सीधा बाहर नहीं, किचन वाले तो अंदर रखेंगे, वो तो अंदर ही। किचन के मैंने पूरे बॉक्स बना लिए, तो ऐसे कैसे रख दें किचन के बॉक्स, सीधे सीधे उठा के पेंट में। फ्रिज की जगह भी आप देख लो कितनी है, खाली है पूरा ही पड़ा है। भाभी इनमें से कौन सा बढ़िया लगता है? जो हिलने पे गिरे ना, चलो ये लगाते हैं जरा, पकड़ो मैं लगा दो इसकी, वो तब उखेड़ेंगे कागज अगर, ये पकड़ लो अभी, पर जाएगी नोसी गई है सारे पॉट से ले। सही लग रहा है मम्मी? हाँ सही आ गया। हाँ हाँ, ये बेसिकली बंदा बाथरूम से बाहर निकलता है पैर गीले गीले होते हैं ना, और आरवी का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो पानी होता है, उसे पानी यहाँ छूटना नहीं चाहिए, तो इसलिए इसको यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर ना एक डीह्यूमिडिफायर भी लगा दूंगा, ताकि सारा पानी और वो तौलिए के अंदर से सारी नमी वगैरह वो सोखता रहे। बड़ा वाला नहीं आएगा, जगह कम है, देखते हैं। मैं तो ये भी लाया था कि भाई थीम से मैच करता है, बुरा तो नहीं लग रहा, लग तो मतलब परफेक्ट भी नहीं लग रहा, मगर अब इसको हटा ही दे, इसको हटा ही दूं, ऐसी जरूरत ही है। फिर पायदान की सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है कि हम सोच रहे हैं कि फिर थोड़ा सा और बड़ा ले आऊं, तो एक सिंगल ही आ जाएगा यहाँ पे, वो बस वो पॉट के पीछे नहीं जाएगा, यही होगा। पर लग तो बड़ा नीट रहा था वैसे, मम्मी लगा गए हैं प्रॉपर पॉट के साथ सेट हो गया था बढ़िया। नहीं वापस इसमें ना ऊपर एक टीवी एंटेना भी लगा हुआ, तो ये टीवी भी कैच करता है जहां जहां पे फ्री टीवी आता है। ये 12 वोल्ट का प्लग है, ये जो है ना रूफ एक्सेस पॉइंट है कि अगर आपको छत पे कुछ लगाना हो
तो यहाँ से ऊपर रास्ता चला जाता है। अभी तो देखो ये हम घर वाले ले आए हैं, मगर मैं आरवी के लिए जो स्पेशल आते हैं ना कॉम्पैक्ट वाले, वो लूंगा जो कम से कम जगह के अंदर ऐसे हो जो इंडक्शन और फ्लेम दोनों पे चल जाए। आपके कौन से वाले हैं? इंडक्शन, क्योंकि ना एक्चुअली अब मेरे को भी स्टोरेज, क्योंकि अब इसके अंदर मैं दो चार चीजें रखूंगा वो गिरती लुटती रहेंगी, तो इसलिए ऐसे बॉक्सेस लूंगा कैटेगरी वाइज कि उसके अंदर सारा सामान रख दिया। अब जैसे टॉयलेट का सामान है तो वो एक बॉक्स हो गया, ऊपर टाइट पड़ा है, चाहे वो सारे क्लीनर हो गए, स्पेयर टिश्यूज हो गए, जो भी व्हाटएवर। मम्मी मेरे से बड़ी देर से पूछ रही है कि ये क्या आइटम है जो स्पेशल आइटम है। ये मम्मी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो मेरे को अपने आप को पता है कि भाई वॉशिंग मशीन पता नहीं कब मिलती है कब नहीं मिलती, तो मैं कच्चे जो है कम से कम दो दर्जन लेके चलता हूँ साथ में ताकि कच्चे बदलने की जरूरत ना पड़े। तो मेरे को ना अभी एक बोरा रखना पड़ता है साफ कच्छों का, तो इसीलिए हमने जो है एक कच्छा ऑर्गेनाइजर लिया है जिसके अंदर की आप, ओह नहीं ये तो जूता ऑर्गेनाइजर है यार, सॉरी कच्चा ऑर्गेनाइजर दूसरे में है, वो भी आपको आपको दिखाते हैं। हाँ ये है मम्मी शूज ऑर्गेनाइजर, आप कहते हैं ना कि शूज अंदर नहीं लेके आ रहे है ना, तो इसको जो है हम लैडर हटा के यहाँ पे लगा देंगे ताकि जो है जूते सारे बंदा अपने यहीं सेट रहे एक ही जगह पे। कच्चा ऑर्गेनाइजर, कच्चे और जुराबे है ना, बढ़िया कहीं नहीं जा अपना जो है किसी, अब जो मेरी कबर है उसके अंदर डाल दूंगा, यहाँ से इसकी जिप बंद हो जाती है, ऐसे बढ़िया है ना, बढ़िया। अभी डीलरशिप से हम निकले थे तो उन्होंने हमें ये दिया, एक तो ये तो हो गया फ्रेश वाटर का होज, इसमें भी क्विक कनेक्ट लगा हुआ है, ये हमने पहले कभी यूज नहीं किया, बड़ी मजेदार चीज होती है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ये हो गया ड्रेनेज होज भैया सीवर खाली करने के लिए, ये बहुत बेकार क्वालिटी का नॉर्मल है, मगर फिलहाल का हमारा काम चला जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये एक प्रेशर रेगुलेटर है, बेसिकली जो इसकी प्लम्बिंग होती है ना उसके अंदर पानी अगर कैंप ग्राउंड में प्रेशर बहुत ज्यादा तेज हो, क्योंकि प्रेशर पंप लगे होते हैं तो उसकी प्लम्बिंग को खराब कर सकता है, तो ये जो है रेगुलेटर, एक तो इसके अंदर फिल्टर है, दूसरा ये कि जो पानी का प्रेशर है ना उसको 40 से 50 PSI के बीच में रेगुलेट कर लेता है ताकि प्लम्बिंग खराब ना हो, तो इसलिए हम सबसे पहले इसको लगाएं। और ये है एक केमिकल जो कि ब्लैक टैंक जिसके अंदर पानी वगैरह जाती है उसके अंदर कहते हैं कि हल्का सा पानी पहले डाल के इसको उसमें डाल दो ताकि, और फिर रोड पे अगर आप इसको गाड़ी को ले जाओगे तो ये हिलती रहेगी, तो ये केमिकल उसमें अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि सारे हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को खा जाते हैं और आपके सॉलिड्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं ताकि उनको जो है ना डंप करने में आसानी हो, तो इसलिए ये एक जो है हम पॉट में फेंक देंगे। ये टॉयलेट पेपर वगैरह होते हैं उनको भी सबको जो है गला देता है और इनसे फिर जो है ना स्मेल वगैरह भी बैक आने का कोई खतरा नहीं रहता एकदम। मोटर हम निकालने की तैयारी कंप्लीट हुई, अब हम बस थोड़ा सा रेस्ट करके आगे निकलेंगे जो कि हम आपके साथ पहला एक्सपीरियंस कैंपिंग का शेयर करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो ये वाली ठीक ठाक लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।